हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के आज आप लोगों के लिए फिर से। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल, और आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में है ये वीडियो। तो फाइनली वो दिन आ गया है भाई, जिसके लिए हम लगभग 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे, और पोस्टपोन भी हो रहा था वो बार बार। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं गाइस सिक्किम, रांची टू सिक्किम ऑन डोमिनार 400। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा वेटेड राइड था, और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग की, और पोस्टपोन भी होता रहा बार बार, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आज तक का हमारा ये सबसे लंबा राइड होने वाला है, इतना लंबा राइड हमने आज तक नहीं किया है। हालांकि हम पार्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, तो जो भी है आप लोगों के साथ कंप्लीट मैं इसका जो प्लान है वो शेयर करूँगा, है ना। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:29, 5:30 हो चुके हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब हमारे पास लगेज, कितना सारा लगेज है। अभी आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लगेज लेकर के जा रहे हैं, है ना। और अभी इसको तुरंत हम लोग जल्दी जल्दी से बाइक पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 5:30, और हम लोग को अंधेरा मतलब रोशनी होने से पहले हम लोग को निकलना है, ताकि जाम वगैरह जो भी होता है उसको हम लोग अच्छे से कवर कर पाएँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक एकदम कम होता है। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की। तो चलो दिखाते हैं आपको हमारे पास लगेज कितना है, और उसको फिर इंस्टॉल करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गाइस यू नो द ड्रिल, है ना। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिक्किम राइड की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ इस सीरीज़ में शेयर करने वाला हूँ, परमिट वगैरह और जो भी रूट प्लान है ईस्ट सिक्किम का, वो मैं कंप्लीट इस ट्रिप में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, है ना, इस सीरीज़ के लिए कंप्लीट सीरीज़ आप लोग देखना और इंजॉय करना। तो जो भी हम सामान कैरी करें उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जा कर के देख सकते हो कि क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं आपको एक बाइक राइड पे, क्या क्या कैरी करना होता है आपको, है ना, एक बाइक राइड पे, लॉन्ग बाइक राइड पे। तो वो उस चीज़ पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सारी चीज़ों को दिखाया है मैंने उस वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर से जाके चेकआउट करना उस वीडियो को। तो चलो अब दिखाते हैं आपको फाइनली हम लगेज, और करते हैं इंस्टॉल उसको अपनी बाइक पे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा सा टेल बैग है, देख रहे हो। हालांकि ये टेल बैग नहीं था, बट स्टिल मैंने इसको टेल बैग बना दिया है, और साथ में बंजी कॉर्ड है, इसके हेल्प से हम इसको टेल पे माउंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे पास राइनॉक्स के सैडल बैग्स, नोमैड सैडल बैग्स। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3। चौथा है भाई हमारे पास गार्डियन गैस का टैंक बैग, तो हो गए अपने पास 4। और फाइनली ये हो गया 5वां लगेज, जो कि पिट्ठू पे रहेगा। इसमें भाई 2-2 लैपटॉप हैं, एक ऑफिस का और एक पर्सनल, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी भारी हो गया है, इसको हमको टांग करके ले जाना है सेफली बिल्कुल। तो इतने सारे लगेज हो गए हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5 लगेज है अपने पास। और साथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मेरा हेलमेट, और वो कुछ नी गार्ड्स, ये वाइफ का हेलमेट, और ये विंटर लाइनर वगैरह, ग्लव्स दोनों के, ये दोनों के जैकेट्स, DSG एंड राइनॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई अभी हमको बाइक पे करना है माउंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं माउंटिंग प्रोसेस। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, पूरी की पूरी मालगाड़ी बन चुकी है अपनी बाइक, और बाहर कंप्लीट डार्क है, फ्लैश ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, इसलिए रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हो टैंक बैग, ये हो गया अपना टॉप बॉक्स की जगह पे भाई टेल बैग, और ये अपने सैडल बैग्स। तो ये कंप्लीट अपना हो चुका है भाई, देख सकते हो क्या खतरनाक लग रही है भाई, बिल्कुल मालगाड़ी की तरह। तो चलो फिर अब फटाफट होते हैं गियर अप, और अब आप लोगों से सीधा मिलते हैं GoPro सेटअप पर। तो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्लॉग।
तो गाइस आ चुके हैं हम लोग GoPro पे, और अभी देखो सुबह के टाइम हो चुके हैं कुछ 6:15, और लेट हो गए हम थोड़ा अपने टाइम से, 6:26 हो गया एक्चुअली। और सुबह सुबह भाई गाड़ी वगैरह एकदम साफ़ सुथरा करके निकला था, और यहाँ पे देखो रोड पूरा गीला है स्टार्टिंग में ही बिल्कुल। तो खैर लंबी लंबी राइड्स में ये सब तो चलता ही रहता है। तो एम था अपना 5:30 का, लेकिन हो गया है 6:30, 1 घंटा पक्का लेट चल रहे हैं भाई हम अपने टाइम से, क्योंकि लगेज बांधने में अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 40-45 मिनट्स लग गया, इस वजह से हो गया थोड़ा लेट। कोई इशू नहीं है, तो थोड़ा बहुत लेट चलता है लंबे राइड्स में। और अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है, थोड़ी देर बाद पहनूंगा, अभी उतना ठंडा नहीं लग रहा था मेरे को। और ग्लव्स तो भाई पहनना ही है, सारी सेफ्टी गियर्स प्रॉपर हम लोग पहन के जा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर हेलमेट्स है ना अंदर में, बाराक्लावा जो हेलमेट मास्क होता है वो, और दोनों के डबल डीरिंग वाले हेलमेट्स हैं, और दोनों ने नी गार्ड्स पहने हुए हैं, दोनों ने लेवल 2 आर्मर जैकेट्स पहने हुए हैं, दोनों ने शूज़ पहने हुए हैं, दोनों ने ग्लव्स, मतलब ग्लव्स तो अभी वाइफ ने पकड़ा है मेरा, उसने पहना हुआ है, तो दोनों ने ग्लव्स पहने हुए हैं। तो सारी सेफ्टी गियर के साथ हम लोग प्रॉपर जा रहे हैं भाई। आप लोग भी अगर राइड में जाते हो तो बिल्कुल सारे प्रॉपर सेफ्टी गियर्स इज़ अवर प्रायोरिटी, ठीक है। आप सबसे पहले सेफ्टी गियर्स में इन्वेस्ट करो, उसके बाद ही आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट भाई, सबसे पहले राइड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी, उसके बाद ही कुछ होता है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से मैं थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कर रहा था, और सारे सेफ्टी गियर्स में कलेक्ट कर रहा था, और वो भी पेयर में, क्योंकि मुझे पता है भाई अपने पार्टनर भी है अपनी, तो उसको भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से मैंने सब कुछ दो लेकर के रखा हुआ है। और अभी मुराबादी पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोग रूट लेने वाले हैं सीधा बोड़िया, और बोड़िया से बिल्कुल सीधा निकलेंगे हम लोग, रिंग रोड नहीं चढ़ने वाले हैं, ठीक है, सीधा बिल्कुल निकलेंगे, और निकलेंगे हम लोग सीधा और मांझी के आगे जो गेतल सूद वाला रास्ता राइट कटता है सीधा वहाँ पर निकलेंगे, तो ये सही रहता है बिल्कुल, है ना। ये सुबह का टाइम जाम वगैरह भी नहीं मिलता इस रूट में, वही हम लोग अगर कोकर और मांझी होकर के जाते, बूटी मोड़ होकर के अगर जाते तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को जो है कि उधर जाम मिल सकता था ट्रक वगैरह, और उधर रोड भी बन रहा है, डिवाइडर वगैरह भी बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड्स हो चुके हैं उस तरफ के, तो इसलिए हम लोग जो है कि इधर ही प्रेफर करते हैं, इधर से ही जाना हमेशा। और टैंक बैग ये लग गया है, तो अपना जो छोटू स्क्रीन है वो छुप गया है, गियर इंडिकेशन नहीं पता चल रहा अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आदत हो जाने के बाद फिर कोई इशू नहीं होती। तो अभी प्लान शेयर करता हूँ आप लोग के साथ इस ट्रिप का, तो बाकी आगे सिक्किम का प्लान तो वहीं जा के ही पता लगेगा कैसे कहाँ जाते हैं हम लोग, क्योंकि उधर स्नो भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी कंप्लीट प्लान पे नहीं बोला जा सकता है कि हम लोग रह पाएंगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि रूट खुला है बंद है वो वहाँ जाने के बाद ही खुलेगा, क्योंकि जैसे कि अपडेट देख रहा था कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है इस वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सबसे पहले आसनसोल, जो कि मेरा ससुराल भी है, तो आसनसोल में स्टे करने से भाई अपना जो डिस्टेंस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, आराम भी कर लेंगे आराम से वहाँ पे, है ना। तो अभी यहाँ से हम लोग सबसे पहले जाएंगे आसनसोल, और आसनसोल में स्टे करने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग, तो सीधा हमारा नेक्स्ट जो स्टे होगा वो होगा सिल्लीगुड़ी में, सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल में होगा अपना नेक्स्ट स्टे। और सिल्लीगुड़ी के बाद हम लोग जब निकलेंगे तो वो हमारा स्टे सीधा होगा गैंगटॉक में, और गैंगटॉक में स्टे करने के बाद फिर हमारा जो ट्रिप है मेन सिक्किम का जो ट्रिप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा गैंगटॉक के बाद। और गैंगटॉक के बाद हम लोग निकलने वाले हैं ईस्ट सिक्किम की तरफ, तो ईस्ट सिक्किम हमारा जो प्लान है वो अल्टरनेट प्लान बना है, क्योंकि हमारा पहले प्लान था नॉर्थ सिक्किम जाने का, जो कि जिसमें मतलब लाचुंग गुरुदोंगमार ये सब आता है, तो हम लोग पहले इधर ही जाने वाले थे, बट कुछ रीजंस हो गए हैं, नेचुरल फेनोमेना हो गया है कुछ उधर, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया है शायद से, तो उसके वजह से पूरा जो रोड है उधर का वो टूट चुका है, तो कंप्लीट मतलब बंद है उधर का रूट, गुरुदोंगमार लेक हम लोग नहीं जा पाएंगे, हाईएस्ट लेक इन इंडिया जिसको कहते हैं 18,000 फीट के आसपास है, 17,800। तो मैंने ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मंगवा लिया था वहाँ के हिसाब से, तैयारी भी कर ली थी, बट एकदम से मेरे को पता चला कि भाई उधर तो लैंडस्लाइड हो रखा है, उधर का तो रूट ही पूरा बंद है, और गुरुदोंगमार तो मतलब जा ही नहीं पाएंगे हम लोग, तो फिर लाचेन या फिर लाचुंग तक जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। मैंने सोचा अल्टरनेट प्लान बनाओ ईस्ट सिक्किम,
जिसमें भाई हम लोग एकदम मस्त इंडिया चाइना बॉर्डर भी कवर कर लेंगे नाथुला पास, और उधर काफ़ी सारे लेक्स भी हैं, फेमस लेक्स, शांगू लेक है, एलिफेंट लेक है, और तुमको ये भी है क्या कहते हैं जुलुक सिल्क रूट। भाई ये सबसे बेस्ट पार्ट है ईस्ट सिक्किम का, जुलुक सिल्क रूट बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब घाटी कह लो आप उसको, उधर से भाई मतलब ज़बरदस्त व्यू आता है, और कंचनजंगा का भी उधर से व्यू मिलता है अपने को बहुत बेहतरीन वाला। तो अभी इधर बोड़िया चौक हम लोगों ने कर लिया है क्रॉस, और अब जो है कि आएगा ओवर ब्रिज, मतलब अंडर ब्रिज जो रिंग रोड वाला है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अवेटेड राइड था, बहुत ही ये हमारा एक्साइटिंग एक राइड है जिसको हम काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ से प्लान कर रहे हैं, किसी ना किसी रीज़न से पोस्टपोन होते जा रहा है, बट इस बार मैंने सोचा भाई जो हो ठीक है, चाहे कितना भी स्नोफॉल हो, जो भी हो, हम लोग जाएंगे ठीक है। रे तमीज नहीं है गाड़ी चलाने का आपको, रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया जाता है, दिख रहा इतना सामान लोडेड है फिर भी चूतिया की तरह चला रहे हैं आप, कुछ अभी गिरेंगे, इतना लंबा हमको जाना है, आपको तमीज नहीं है। कैसे कैसे लोग मिलते हैं बताओ, अभी रांची से निकले भी नहीं है कि ये लोग देख लो कैसे मतलब रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ भी लोग करते हैं रोड पे, इडियट्स ऑन रोड ठीक है। आपको अपनी सेफ्टी अपने हिसाब से एकदम बढ़िया से चलानी है, क्योंकि आप दूसरों के तो भरोसे नहीं चल सकते ब्रो, बहुत ही मतलब ये लोग स्टूपिड होते हैं, बहुत ही स्टूपिड। बताओ रॉन्ग साइड से फट से एकदम ओवरटेक कर रहा है एकदम से, वो भी सामने स्पीड ब्रेकर है फिर भी इतने स्पीड में निकाल रहा है, पता नहीं किस खुशी में, बस हमको देखा नहीं बाइक को है ना, राइडर को, बस आ गया जोश अंदर में, बन गया वो भी राइडर। तो ये देखो भाई, ये हम है रिंग रोड वाले अंडर ब्रिज में अभी, और इधर से भाई कोई भी बढ़ा देता है आगे, इसलिए एकदम धीरे से पार करना पड़ता है। तो भाई यहाँ रुक गया था, सोचा ग्लव्स पहन ही लेता हूँ, तो चलो ग्लव्स पहन लिया, और ये भाई लोग देखो मस्त जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। ये देखो भाई रामगढ़ वाले पहाड़ जो है दिखना स्टार्ट हो गए हैं, देख रहे हो, बट हमको उधर नहीं जाना है, हमको दूसरी तरफ जाना है। और ये जो मैंने फॉग लाइट लगाया है भाई एच का, क्या ज़बरदस्त फीडबैक है इसका, अभी देखो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया है कि सामने वाले को दिक्कत ना हो ठीक है। तो अभी देखो ये येलो पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है या नहीं, बट ये येलो यहाँ पे है बिल्कुल अपने बाइक के आगे, और ये हाइट जो है वो थोड़ी दूर में कर दिया है मैंने, तो रात में अच्छा विजिबिलिटी होगा इसका, अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा, येलो वाला दिख रहा है प्रॉपर। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है यार इन एचएचजी लाइट्स का, फॉग लाइट्स का। तो सूरज चाचा काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, वो देखो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, बट पूरा का पूरा क्लाउडी हो रखा है जिसके वजह से अभी प्रॉपर लाइट नहीं हुई है। तो भाई पहुँच चुके हैं हम लोग और मांझी वाले जंक्शन पे, और अब यहाँ से हम लोग को बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। बाप रे धुआं देखो भाई इस बस के, कितना गंदा वाला धुआं उड़ा रहा है, भगाओ यार निकलो जल्दी आगे। और ठंडा भाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, आज 22 फरवरी है और ठंडा बिल्कुल ना के बराबर है, मैंने अंदर में सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है पतली वाली जिम वाली ड्राई फिट, और एक विंटर लाइनर जो कि इसके साथ देता है DSG रेस प्रो के साथ में जो देता है कंपनी, बस वही वाली एक विंटर लाइनर मैंने पहन रखी है, बाकी भाई बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही, मतलब ठंडी गायब हो गई है। रात को मैंने पंखा चला के सोया था बिना ओढ़े, अब सोच लो 22 फरवरी है और इस तरीके से गर्मी हो चुकी है भाई, पता नहीं क्या होगा आगे जून में। यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट मेन सिकिदरी घाटी के लिए। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं सिकिदरी घाटी पे, और मैंने ग्लव्स उतार दिया यार, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी ग्लव्स पहनने के बाद, पता नहीं क्यों, नेकेड हैंड से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और ग्रिप भी अच्छा मिलता है, पता नहीं ग्लव्स में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। तो यहाँ से भाई लिखा गया है घाटी क्षेत्र, धीरे चलें, और यहाँ से व्यू देख सकते हो भाई आप लोग, घाटी स्टार्ट हो चुका है सिकिदरी मेन वाला, और क्या बेहतरीन नज़ारे, आहा, मैंने Insta360 भी ऑन कर दिया, ये देखो वाइफ ने पकड़ा हुआ है स्टिक पे, तो काफ़ी बढ़िया व्यू अपने को मिलने वाला, और मैं Insta360 का भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूंगा, ज़बरदस्त बिल्कुल।
तो भाई ऐसी लग रही है कुछ, हमारी बेबी देख रहे हो, पूरा फुल्ली ओवरलोड एकदम माल गाड़ी, टैंक बैग, दोनों सैडल बैग्स, टेल बैग, एक बार देख लेते हैं सैडल बैग सही से है ना, इसका धुआं वगैरह तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं लग रहा सही। मेरे को वही टेंशन था कि कहीं एग्जॉस्ट का इसमें जो है कि ये ना पड़े गर्म हवा, बट नहीं ठीक है। और मैंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए देख लो नायलॉन रस्सी से बांध दिया है ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले, और टेल बैग तो अपना ज़बरदस्त एकदम बंजी कॉर्ड की मदद से बांध दिया मैंने। तो अभी देख सकते हो सिकिदरी घाटी पे हम लोग मिडिल में हैं, बस नीचे पहुंचने ही वाले हैं। और चलो तब बढ़ते हैं आगे, सूरज चाचा काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, इससे पहले गर्मी बढ़े निकलते हैं फटाफट। चलो अरे भाई साहब ये देखो ये वाला टर्न क्या ख़तरनाक है भाई, यहाँ पे रिएक्शन काफ़ी तगड़ा मिल रहा है स्कूल के बच्चों का। ये जो छोटे छोटे मैजिक नहीं होते उनमें भाई बच्चे जा रहे हैं स्कूल लोड होकर के, और क्या रिएक्शन दे रहे हैं यार ज़बरदस्त। ये हम पहुंच गए हैं गोला वाला रेलवे क्रॉसिंग, पुराना वाला जो था, और ये देखो बच्चों के रिएक्शन। यार ज़्यादा ब्रेकर में अपने को नहीं चढ़ाना है, नीचे नीचे ही चलना है बिल्कुल। और ये देखो भाई रिएक्शन, देखो रिएक्शन रिएक्शन देखो कार में बच्चियों के। तो ये पहुंच चुके हैं भाई हम लोग गोला रोड वाले टोल गेट पे, तो अभी हम लोग जैना रोड पहुंच चुके हैं, और यहाँ के बाद मेरे को लेफ्ट दिखा रहा है, 19 किलोमीटर बाद मेरे को लेफ्ट दिखा रहा है दुमरी बर्मो के लिए। तो चलो जैसे जैसे गूगल मैप बोलता है वैसे वैसे हम लोग को जाना है, और हल्की हल्की जो है कि भूख भी लगनी शुरू हो चुकी है, तो अक्सर हम लोग यहाँ पीछे रुकते हैं, बट इस बार हम लोग यहाँ नहीं रुके हैं, तो देखते हैं इस बार कहीं और रुकेंगे आगे जाकर। तो अभी अभी हम लोगों ने जैना मोड़ क्रॉस किया है, मतलब अभी हैं जैना मोड़ में ही, वो जो चौक है चौराहा वो अभी अभी हमने क्रॉस किया है, और यहाँ से आसनसोल 116 किलोमीटर और दिखा रहा है गूगल मैप। यार अभी भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग फाइनली सिक्किम जा रहे हैं। यस यार ये अपना ड्रीम राइड है, पहला अल्टीमेट ड्रीम राइड तो लद्दाख ही होता है, बट ये सेकेंडरी ड्रीम राइड है भाई सिक्किम, ठीक है। ये भी काफ़ी लोगों का ड्रीम रहता है, मेरा भी है, तो सिक्किम राइड करना था भाई अपने को काफ़ी टाइम से, और फाइनली अब जा करके वो हो रहा है सच। यार ड्रीम तो था गुरु दोंगमार लेक जाने का, बट सैडली यार गुरु दोंगमार लेक इस बार नहीं हो पाएगा, बहुत मेरे को दुख हो रहा है। पूरा प्लानिंग करके सब कुछ तैयारी करने के बाद, इनफैक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब कुछ मैंने मंगवा लिया था, तो सब तैयारी होने के बाद ए टू जेड, उसके बाद यार गुरु दोंगमार का मेरे को पता चला कि रास्ता ही बंद है लैंडस्लाइड की वजह से, तो यार बड़ा दुख हुआ। बट चलो कोई बात नहीं, गुरु दोंगमार ना से ही ईस्ट सिक्किम अपन घूमेंगे बढ़िया से, एकदम एक्सप्लोर करेंगे पूरा, और स्नो का मजा लेंगे गाइस। ना मैंने ना नफीसा ने किसी ने भी अभी तक बर्फ नहीं देखा है, तो ये हमारा फर्स्ट स्नो एक्सपीरियंस होने वाला है भाई। हाँ मैं तो सोच सोच के एक्साइटेड हूँ। इसी तरीके से मैं एक्साइटेड था पता है कब, जब अपन दीघा जा रहे थे, क्योंकि मैंने भी सी भी नहीं देखा था पहले कभी दीघा जाने से पहले तक, तो उसकी एक अलग खुशी थी भाई जब गया देखा बीच को सामने से पहली बार। हाँ मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। और इसी तरीके से भाई साहब अभी स्नो का अपना पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है यार, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप लोग को आना पड़ेगा उस चीज़ को, उस चीज़ की फील लेने के लिए, मैं बोल करके आप लोगों को फील नहीं करवा पाऊँगा। हाँ दिखा के ज़रूर करवा सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, घंटा दबा कर रखना होगा, और वेट करना होगा वीडियोस का, क्योंकि मैं लाइन से वीडियोस डालूंगा भाई, है ना, एपिसोड वाइज जैसे जैसे मुझे लगेगा। मेरे को भी अभी नहीं पता है कि मैं कितने एपिसोड डालने वाला हूँ, कितना लंबा होने वाला है भाई, जैसा मेरे को कंटेंट समझ में आएगा मैं वैसे वैसे करके बना करके वीडियोस पोस्ट करता जाऊँगा, तो बस आप लोग देखो और इन्जॉय करो यार ये सिक्किम राइड। तो भाई अब हम पहुंचने वाले हैं चंद्रपुरा, और चंद्रपुरा से पहले जो नदी पड़ती है दामोदर, तो वही हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं, और इधर का नज़ारा देखो यार क्या बात है ज़बरदस्त।
तो ये भाई अपन पहुंच गए हैं दामोदर नदी के ऊपर। हालांकि नदी पूरा सूखा हुआ है, पूरा नहीं, कुछ 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 हद तक सूखा हुआ है, कुछ हद तक चालू है। ये देखो इधर, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसको क्रॉस करते ही ये देखो हम चंद्रपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया के आउटर एरिया में है अभी। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे यहाँ पे मतलब आपको फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लगभग 7 किलोमीटर है यहाँ से अभी चंद्रपुरा फिलहाल। और इधर देखो ट्रेन रुक गई सिग्नल पे, वो क्रॉसिंग था तो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो ये फाइनली हम लोग चंद्रपुरा एंटर कर गए हैं। और यहाँ से धनबाद लगभग 42 या 45 किलोमीटर के आसपास है। ओहो, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है एकदम। आराम आराम से अपने को चलना होगा, ऑफ रोड करते हुए चलते ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो मेरा फ़ोन है ये यहाँ पे वाइज़र से टकरा रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग एक नॉइज़ आ रहा है। गोप्रो में पता नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं ये, बट कर ऐसे करके आवाज़ आ रहा है, बिल्कुल बेकार सा। तो ये देखो भाई, धनबाद ज़िला में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम लोग धनबाद ज़िला में इंटर कर चुके हैं। और यहाँ से धनबाद आई गेस 35 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए मेन सिटी। तो 16 किलोमीटर और इस तरीके के रोड पे हम लोगों को चलना है, और उसके बाद राइड भाई ले लेना है अपने को जीटी रोड पे, जो कि दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है। भाई ज़बरदस्त रोड है यार। अरे पास दे दो चीचा, लगता है बच्चों का एग्ज़ाम है बोर्ड शायद से, क्योंकि भीड़ लगी है ज़बरदस्त और सब एकदम हाथ में किताब ले ले करके पढ़ाई वगैरह अपन भी यही किया करते थे। पुराने दिन ताज़ा हो गए भाई। इसमें से कुछ होंगे जो साल भर नहीं पढ़े होंगे लेकिन अभी उनके हाथ में किताब होगा उनका पता नहीं क्या होगा, वही होगा जो हमारा हुआ भाई तो ये भाई हम पहुंच चुके हैं कतरास मोड़, और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर और है जीटी रोड को। तो ये देखो भाई, ये जो सामने आपको दिख रहा है फ्लाईओवर, यही है भाई जीटी रोड जो दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करता है। अब अपने को इस पे ही चढ़ना है राइट, और बिल्कुल सीधा सीधा जाना है और 65-68 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ से अपन मोड़ लेते हैं, और ये देखो भाई अपन चढ़ गए जीटी रोड पे। क्या रोड है, देख रहे हो? आहा भाई, कितना भी चला लो इस पे, 200 चला लो आराम से, बिल्कुल 3 इधर 3 उधर, 6+ इस तरफ भी है, देख रहे हो, सर्विस रोड ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। एक्चुअली 4 लेना है, 1, 2, 3, 4 और उधर भी 4, 8 हो गया, ज़बरदस्त। तो फ्यूल का जो कांटा है देख सकते हो आप लोग, 3 या 4 नीचे आ चुका है। मैं बिल्कुल ऊपर नोजल तक फुल करा करके निकला था घर से, और अभी देख सकते हो आप लोग 4 कांटा लगभग जा चुका है इसका। अभी इसका टैंक बैग हटाएंगे, फिर देखेंगे कितनी किलोमीटर चली है ये। तो ये देखो भाई, धनबाद सिटी के लिए यहाँ से राइट जाना होता है, और चूंकि हमें आसनसोल जाना है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। आहा, हेलमेट काफ़ी देर के बाद वाइज़र खोला मैंने तो एकदम अचानक से लगा कि दिन हो गया, पूरा काला काला सा दिख रहा था। 2 मिनट के लिए वाइज़र क्या खोला, उतने में ही धूल चला गया मेरे आँखों में। उतने देर से बंद करके चला रहा था बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खोला भाई, एकदम धूल मिट्टी घुस गया आँखों में। इसीलिए भाई राइड जब लंबा आप कर रहे हो ना तो आप वाइज़र गिरा के ही चलो, तब बेस्ट रहेगा, राइड एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है आपका वाइज़र अगर आप बंद करके चलते हो तो। तो ये पहुंचने वाले हैं हम गोविंदपुर, और यहाँ पे भाई एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम आई गेस खालसा है, वहाँ पे मैं पहले भी रुक चुका हूँ। तो वहीं पे हम लोग रुक करके नाश्ता करेंगे भाई, बहुत बहुत तेज़ भूख लग रही है। हाँ बहुत जल्दी है, बिना हेलमेट के जाओ जाओ जाओ, बहुत जल्दी है तुम्हें, तुम ही जाओ पहले। ये भाई हम पहुँच चुके हैं खालसा, और यहीं पे हम सोच रहे हैं करने का नाश्ता, देखते हैं कुछ बना है या नहीं नाश्ते में। पूछो नाश्ता है, छोला भटूरा। तो है भाई छोला भटूरा है,
चलो भाई छोला भटूरा खाया जाए यार, बहुत मन कर रहा है, क्रेविंग्स हो रहा है मुझे छोला भटूरा खाने का। तो टैंग बैग बस निकालेंगे और फ़ोन निकालेंगे, बाकी ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बैठेंगे कि बाइक दिखते रहे ना। हाँ बैठो, हम यहाँ बैठ जा रहे, तुम यहाँ बैठो। क्या खाओगी, छोला भटूरा कि डोसा खाओगी, क्या खाओगी? एक मसाला डोसा कर देना भाई, नहीं होगा क्या? क्या होगा? पूरी सब्जी, आलू पराठा, इडली, छोला भटूरा। एक प्लेट पूरी सब्जी, एक प्लेट छोला भटूरा, ठीक है। गाइस लग चुका है हमारा नाश्ता खालसा में, और वाइफ ने मंगाया पूरी सब्जी और मैंने मंगाया छोले भटूरे, और यहाँ पे बैठ चुके हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। और वो रही भाई अपनी बेबी, बाहर पार्क कर दिया बिल्कुल नज़रों के सामने, देख लो क्या ओवरलोडेड है बिल्कुल। चलो फटाफट करते हैं अब नाश्ता, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख, और मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे रोड पे। तो हो चुका है भाई अपना नाश्ता कंप्लीट, मस्त छोला भटूरा पूरी सब्जी खाया हमने और पिया कोल्ड कॉफ़ी। तो चलो अब करते हैं राइड को रिज्यूम, चलो अब निकलते हैं यहाँ से खालसा से, और यहाँ से आसनसोल 46 किलोमीटर और शो कर रहा है। कौन सा तरीका है भाई गाड़ी चलाने का? आप इधर से करते हो भैया, यही बात है, अभी कैमरा में रिकॉर्ड है, अभी खोल के दिखा देंगे, अभी खोल के दिखा देंगे, कैमरा में सब रिकॉर्ड है। सामने आके ऐसे घुसा दिए, सामने आकर कैसे घुसा दिए, कहाँ बहुत देखे हैं इस, आपका आँख से देख के लग रहा है कि बहुत देखे हैं आप, आपका आँख से देख के लग रहा है। कैसे कैसे इडियट्स मिलते हैं रोड पे, कसम से बाय गॉड, ऐसे ऐसे इडियट्स मिलते हैं ना। और भाई बारिश का पूरा पूरा सीन बन चुका है, आप लोग देख सकते हो वेदर, सूरज चाचा पूरा बादलों में घुस गए हैं भाई, अपने को जल्दी जल्दी करके जो है कि चलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो अपन फंस भी सकते हैं, इतना सारा लगेज है अपने पास। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा, बूंदाबांदी पड़ रही है? हाँ भाई बूंदाबांदी हो रही है। ओहो भाई ये नहीं होना चाहिए, बस बहुत गलत सीन्स। तो ये भाई अपना फर्स्ट रिफ्यूल, वेस्ट बंगाल घुसने से पहले अपने को फुल कराना है, क्योंकि WB में फिर फ्यूल महंगा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है कि अपने को यहीं पे फ्यूल भराना है। डालिए ऑनलाइन। तो ये हो गया भाई अपना रिफ्यूल, टंकी हो गया बिल्कुल लबालब फिर से एक बार, और अब यहाँ से मात्र 38 किलोमीटर्स रह गया है। तो भाई बस 23 किलोमीटर्स रह गया और आसनसोल को। भाई लॉन्ग राइड्स में जो सबसे बड़ा जो हेडेक होता है ना, वो यही होता है, ये देख रहे हो डाइवर्जन, एक तो डाइवर्जन, ऊपर से कच्चा रास्ता, टूटा फूटा रास्ता, ये बड़ा दिमाग ख़राब करता है लॉन्ग राइड्स में। और ये देखो हम पहुंच गए हैं टोल गेट पे, और ये भाई हम फाइनली चढ़ चुके हैं बराकर रिवर के ऊपर, और बस ये ब्रिज ख़त्म और हम लोग वेस्ट बंगाल में। इसी के साथ ये हम पहुंच गए हैं कहाँ, माइथन डैम, यहीं से माइथन डैम के लिए रास्ता कटता है लेफ्ट को। तो इसका कुछ हिस्सा बंगाल में पड़ता है, कुछ हिस्सा पड़ता है झारखंड में। मात्र 15 किलोमीटर रह गया है यहाँ से अपने डेस्टिनेशन को। ये देखो भाई ये पता नहीं क्या है, कचौड़ा पट्टी है या फिर कोयले का ढेर है, पता नहीं क्या है, मुझे तो कोयला जैसा ही दिख रहा है यार ये। ओ भाई साहब आंटी को देखो यार, बाप रे क्या खतरनाक कला है, देख रहे हो कैसे बैठी आंटी, देख रहे हो, ये देखो, ओ भाई गजब बैठी है आंटी, लटक के बिल्कुल पीछे फुटरेस्ट पे, क्या बात है। ऐसा मत किया करो यार, बिल्कुल भी सेफ नहीं होता ये सब। तो ये भाई फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं आसनसोल वाले सर्विस रोड पे, और यहाँ से बस अपने को राइट लेना है और अपन चले जाएंगे आसनसोल सिटी के अंदर। तो ये फाइनली अपन पहुँच गए भाई आसनसोल, और ये देखो अपने लेफ्ट में भाई जुबली पेट्रोल पम्प, एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पम्प है भाई ये जुबली पेट्रोल पम्प आसनसोल। ओ भाई आसनसोल सिटी में क्या ही रिएक्शन मिल रहा है भाई, घूर घूर के देख रही है पब्लिक।
तो चलो अब आप लोगों से हम मिलते हैं सीधा घर पे, और घर पे करते हैं इस वाले व्लॉग को एंड। तो गाइज आ गए थे हम लोग घर, पहुंच गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा बहुत फ्रेश हो करके कुछ कुछ खाया पिया हमने, और अब फाइनली व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है पार्ट वन को। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ दिन स्टे करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग 29th को फाइनली निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होगा नेक्स्ट स्टे के लिए, एक्चुअली नॉट डेस्टिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट डे होने वाला है सिलीगुड़ी में। तो 29th को अर्ली मॉर्निंग हम लोग आसनसोल से निकलेंगे और रात को हम लोग को सिलीगुड़ी में स्टे करना है। फिर सिलीगुड़ी से निकलेंगे तो हम लोग सीधा गैंगटॉक जाकर के स्टे करेंगे। तो आगे का अपडेट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। पार्ट वन को अब यहीं पे एंड करते हैं, है ना, और मिलते हैं अब आप लोगों से सिक्किम राइड के पार्ट टू में। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। तो चलो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, पीस।